हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्लीपर क्लास की जर्नी दिखाने वाली हूँ। स्लीपर क्लास एक ऐसा क्लास जो हर रेल यात्री के दिल से जुड़ा हुआ क्लास है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कभी न कभी एक बार अपनी जिंदगी में स्लीपर क्लास की यात्रा जरूर किए होंगे। आज मैं उनकी यादें ताजा करने वाली हूँ, एक ऐसा क्लास की जर्नी दिखाने वाली हूँ जिसको आम लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। एक ऐसा क्लास जिसमें कंफर्म रिजर्वेशन टिकट ना मिलने पे भी लोग यात्रा कर लेते हैं। एक ऐसा क्लास जो आपसी भाईचारे का सबूत देता है। एक ऐसा क्लास जिसमें लोग एडजस्टमेंट करना सीख लेते हैं। एक ऐसा क्लास जिसमें लोग अपनी सीट पे दूसरों को भी बैठने देते हैं। एक ऐसा क्लास जिसमें अपने खाने को आप दूसरों से शेयर करते हैं। एक ऐसा क्लास जहां पे राजनीति, क्रिकेट से लेकर फिल्मी दुनिया तक सब पे चर्चा होती है। तो आज मैं ऐसे ही क्लास की जर्नी दिखाने वाली हूँ। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। ये मैं आपको दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिखा रही हूँ। आप दिल्ली मेट्रो से आराम से आनंद विहार रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन का व्यू मैं दिल्ली मेट्रो के एक एग्जिट गेट से दिखा रही हूँ। दिल्ली मेट्रो से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। मेरी ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस 8:10 पे है। मैं समय पे स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सामान चेक करने वाली मशीन शायद खराब है। यहाँ पे कोई भी सामान चेक नहीं करवा रहा है, सीधे लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। डिस्प्ले बोर्ड पे सीमांचल एक्सप्रेस की जगह जोगबनी एक्सप्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि सीमांचल एक्सप्रेस को लोग जोगबनी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हूँ। मेरा गला खराब था, आपको सुनाई दी या नहीं दी, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज की मेरी जर्नी 12488 सीमांचल एक्सप्रेस में है। ये दिल्ली के आनंद विहार से जोगबनी रेलवे स्टेशन तक जाती है। ये अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज होते हुए खगड़िया, नौगछिया, खटिया, पूर्णिया, अररिया, फरबीसगंज, जोगबनी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर स्लीपर बोगी में। चलिए स्लीपर बोगी। काफी दिनों के बाद मैं स्लीपर कोच में यात्रा करने वाली हूँ। मेरी ट्रेन राइट टाइम पे चली। दिल्ली से जोगबनी तक का सफर 1379 किलोमीटर का है। ये जोगबनी पहुंचाने में 23 घंटे 40 मिनट का वक्त लेती है। इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर कोच, 2S कोच और जनरल कोच भी होता है। इसमें थर्ड ई इकोनॉमिक कोच भी होता है, लेकिन फर्स्ट एसी कोच नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसका फेयर बता देती हूँ। दिल्ली से जोगबनी तक का स्लीपर क्लास का फेयर है 635 रुपये, 2S का 390 रुपये, 3E का है 1540 रुपये, थर्ड एसी का है 1645 रुपये और सेकेंड एसी का है 2360 रुपये। वेटिंग में ना तुम लोग ऐसे क्या नाम है तुम्हारा? शिवम।
और तुम्हारा सरस्वती। अच्छा शिवम। छोटी क्यों है ये? मन्नत है। तो आप देख सकते हैं स्लीपर में बहुत मजा आता है, लोग एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। हम एसी में चढ़ते हैं तो कोई किसी को मतलब ही नहीं रहता है, एक दूसरे से बातें नहीं करते, हम पहले रहते हैं। लेकिन स्लीपर में पहले की तरह हम लोग सब बातें करते हैं अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। दरवाजे के पास के खुली हवा का मजा आप स्लीपर कोच में ही ले सकते हो। मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग होता। ये मैं स्लीपर कोच कंपार्टमेंट का व्यू दिखा रही हूँ। इसमें एक मिरर है, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए पॉइंट भी बना हुआ है। तीन तीन पंखे लगे हुए होते हैं तो गर्मी का एहसास नहीं होता है। जब ट्रेन कहीं पे रुकती है तब गर्मी का एहसास होता है। ये साहिबाबाद स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है। अब मैं अपने साइड अपर के बर्थ पे चढ़ के आराम करती हूँ। इस पे चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। साइड अपर के बर्थ पे तो आप आराम से बैठ सकते हो, काफी स्पेस होता है। मैं बहुत देर आराम कर ली, अब थोड़ा गप्पे सप्पे मार लूं। बच्चे मम्मी के कहने के बाद ही चिप्स का पैकेट लिए। इस क्लास की जर्नी तो मेरे लिए मेमोरेबल है। इस स्लीपर क्लास में बहुत सारे लोग वेटिंग का टिकट लेके ट्रैवल कर रहे हैं।
मेरी सीट पे जो लेडी बैठी है उसके 3 बच्चे हैं। सबका वेटिंग टिकट है। अब मैं आपको स्लीपर कोच का टॉयलेट दिखा देती हूँ। ये इतना गंदा तो नहीं बट बहुत साफ भी नहीं है। क्लास में जो मजा है वो एसी क्लास में नहीं है। इस क्लास में आप खिड़की से खाने पीने का सामान खरीद सकते हो। आप खिड़की पे बैठे बैठे चाय भी पी सकते हो। मैं तो बाहर निकल के चाय पी रही हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपसे ही मैं हूँ वरना मैं तो कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरा वीडियो देखते रहे। थैंक यू वंस अगेन।